सो व्हाट्स अप पीपल्स, दिस इज स्पाइडी। दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए पबजी मोबाइल की टॉप 5 ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को, ये जो हमारी पहली ट्रिक है, ये काम कर रही है इस वाली स्क्वाड हाउस में। दोस्तों होता क्या है कि बालकनी में बहुत सारे बंदे जो है वो कैंप करके बैठे होते हैं, तो आपको उनकी कैंपिंग को ब्रेक डाउन कैसे करना है इस वीडियो में आप ये जानेंगे। दोस्तों अब बहुत बार क्या होता है कि बालकनी में पूरी की पूरी स्क्वाड जो है वो कैंपिंग कर रही होती है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि अगर वहाँ पे दो बंदे भी हैं और अगर आपने एक को भी नॉक कर दिया, तो जो पहले वाला बंदा होगा उस टीममेट का, वो पैनिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जंप लगाकर, ये जो आपको दीवार के साथ वाली लाइन दिख रही है, आपको इसके ऊपर कूदने की कोशिश करनी है। और दोस्तों जब आप इसके ऊपर कूद जाओगे तो बूम गाइस, अब जब आप इसके ऊपर कूद जाओगे तो आपका जो एनिमीज है वो भी बिल्कुल शॉक हो जाएगा कि इसने मुझे नॉक डाउन किया तो किया कैसे। दोस्तों ये देखिए, अब इस ट्रिक को करना क्या है, आपको धीरे से अपना जो जॉयस्टिक है उसको ऐसे हिलाना है लेफ्ट साइड की ओर, और यहाँ पे आपको धीरे से आगे जाना है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे जंप भी कर सकते हो और अपने एनिमीज को सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो। दोस्तों अब हमारी दूसरी ट्रिक काम कर रही है इस वाले हाउस में। आप तो जानते हो ये नोवो के और मिलिट्री बेस का जो ब्रिज है इसके पास है। तो दोस्तों आप अगर इस घर के अंदर बंदा कैंपिंग कर रहा हो, वो भी फर्स्ट फ्लोर में, तो आप उसको कैसे नॉक डाउन कर सकते हो, आपको बस करना क्या है, यहाँ पर आना है और आपको यहाँ से स्प्रिंट प्लस लॉक करके आपको यहाँ पे जंप करना है। देखिए मैं पहली बार नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप अपने एनिमीज को एक काफ़ी अच्छे मैनर से उसको नॉक डाउन कर सकते हो। आपको यहाँ आने के बाद यहाँ आना है और आपको यहाँ आने के बाद फिर आपको जंप लगाना है लेजग्राफ फीचर का इस्तेमाल करके, और आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो दोस्तों ट्रिक नंबर अब जो 3 है, ये एक ग्लिच है। अगर हम यहाँ से अंदर देखते हैं तो हमें थोड़ा सा हिस्सा अंदर का नहीं दिखाई देता, अगर हम अंदर से बाहर देखते हैं तो दोस्तों हमें बाहर का सारा हिस्सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लिच है। तो दोस्तों अगर आप पर कोई रश करने आ रहा हो तब आप इस ट्रिक का, सॉरी ग्लिच का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ग्लिच है, ज़रूर ट्राई करना इस ग्लिच को, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये इन सभी ट्रिकों में से बहुत ही ज़्यादा औसम ट्रिक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके ऊपर चढ़ना कैसे है। तो दोस्तों आपको जब आप यहाँ पर चढ़ जाओगे तब आपको हाई रिच प्लस कवर प्लस, और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाइडिंग स्पॉट भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़ने की ट्राई करनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक जंप लगाना है और एक जंप यहाँ लगा कर अपने लेजग्राफ फीचर का आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों फीचर का इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और दोस्तों डायरेक्ट आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे। तो दोस्तों जब आप इस थाली के ऊपर चढ़ जाओगे यानी कि आप जिसमें चावल खाते हो कुछ ऐसे ही है, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो यहाँ पर आपको कितना अच्छा हाई रिच का एडवांटेज मिलता है। अगर लास्ट का जोन यहाँ पर बनता है तो दोस्तों फिर तो आप ज़्यादातर तो बंदों को मार ही दोगे। अगर आपके पास AWM और ATX का स्कोप है तो भी आप बहुत ही आराम से बंदों को मार सकते हो, और अगर आपको रैंक पुश करनी है तो भी आप इस हाइडिंग लोकेशन पर बहुत ही अच्छे तरीके से रैंक पुश भी कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी। और दोस्तों एक ट्रिक और भी है, अगर आपको सभी के सभी बंदे यानी कि पूरा सर्वर उड़ाना है तो आपको कुछ इस तरीके से जंप करना है और आपका चिकन डिनर हो जाएगा। दोस्तों फिफ्थ ट्रिक जो है, ये एक फन ट्रिक है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैसे मैप को एकदम छोटा कर सकते हो। दोस्तों जब आप ऐसे बिल्कुल ही कतई ही ज़्यादा जूम कर दोगे तब आपको अचानक से अपने माइनस बटन को दबा देना है, तो देखो आपका मैप अब कैसे जूम होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही फन ट्रिक है, इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। और दोस्तों कमेंट में बताना मुझे आपको इनमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।